ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जो आप पीछे प्याज की फसल देख रहे हो, जो पीछे फसल है उसमें उसके पत्तों में लट पड़ जाती है जिससे प्याज की वृद्धि कम होने लग जाती है। तो उसमें आज मेरा भाई जो दवाई दे रहा है उसका पूरा प्रोसेस बता देंगे, कौन सी दवाई है, किस मात्रा में दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। इस वीडियो में आप पूरा देखना और आपको बता देंगे कैसे क्या दवाई दी हमने लट्टों को भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, ताकि प्याज अच्छी तरह ग्रोथ कर सकें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो कम ही देखते हो क्या, आपके वीडियो मेरे वीडियो पसंद नहीं आते। अगर भाई का सपोर्ट करना है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें या 50% ज़रूर देखें। और आपकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन 4000 घंटे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन उसको भी 4000 कंप्लीट कराने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना ज़रूर होगा। अगर आप भाई का सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखें और आगे आप प्रोसेस पूरा दिखाएंगे, तो बने रहें और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो गाइस, भाई सामने आप देख रहे हो भाई दवाई घोल रहा है प्याज के लिए, और जो सामने दवाई है वो आप नाम देख सकते हो, ये प्याज में लट मारने की और कीड़े मकोड़े मारने की दवाई है, इम्बोज नाम से है और बहुत महंगी आती है। और किसान भाई के लिए फसल बोना और काटने से लेकर बहुत दवाइयां लगती है, दवाई खर्चा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके हिसाब से उनको कमाई नहीं मिलती है। सामने आप दवाई देख सकते हैं, अभी आपको फ़िलहाल दवाई के बारे में बताएंगे, ताकि आप भी अगर प्याज की फसल बोते हो तो इस प्रकार की दवाई दे सकते हो। और किस अभी आपको आगे चल के मशीन भी दिखाएंगे, उसके बाद जो लट है वो मेरा भाई लट भी दिखाएगा कैसे क्या लट होती है। और बच्चे इस टाइम खेल रहे हैं, शाम का टाइम है और भाई लग रहा है दवाई घोलने में, और बच्चे सभी खेल रहे हैं। मशीन के पास चलते हैं सामने, और बच्चे थोड़े मेरे भतीजे ही हैं, सारे भतीजे भतीजी हैं, सामने देख सकते हो सब बैठे हैं। और ये सबसे छोटा है, नटकट है, और सामने फुहारे चल रहे हैं, सूर्यदेव भी अस्त होने वाले हैं। और ये सामने जो ट्रैक्टर पे मशीन है, इसी से हम छिड़काव करेंगे, और इस मशीन को भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं, इस प्रकार की ये मशीन है। और इसके अंदर 500 लीटर पानी है, 500 लीटर के अंदर हम 2 लीटर दवाई डालेंगे और उसका छिड़काव करेंगे। और ये इतनी लंबी पाइप है, 1000 फुट लंबी पाइप आती है इसके अंदर, और ट्रैक्टर से जॉइंट होती है, कैसे क्या जॉइंट होगी वो आगे आपको चल के पता चल जाएगा। फ़िलहाल आप मशीन देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें और भाई का सपोर्ट करें। अरे अभी देखो भाई लट दिखाएगा, मेरा छोटा भाई है, मौसी का लड़का, ये लट है। इस प्रकार की लट हो जाती है जिससे प्याज वृद्धि नहीं करता और प्याज में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्याज छोटे छोटे रह जाते हैं। ये देखो लट है, बहुत ज़्यादा लट हो रही है, इसके लिए दवाई दी जा रही है, नहीं तो इसमें कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं थी। अभी और दिखाते हैं आपको, लट बहुत ज़्यादा हो रही है, और भाई दिखा रहा है, किसान भाई अपना किसान के लिए लाइक तो बनता है, देख सकते हैं आप सामने। अगर आपने किसान के लिए लाइक नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। और सामने देखो मेरा एक भाई और बेटा है, और क्या कर रहा है आप सोच समझते हो, दिमाग लगा सकते हो वो क्या कर रहा है। तो गाइस, आपने देखा मैंने जो कुछ आपको दिखाया, कैसे क्या हमने मिलाया और क्या क्या कौन सी कंपनी की दवाई थी और किस वजह से हम ये छिड़काव कर रहे हैं वो भी आपको दिखाया, क्योंकि प्याज के अंदर बहुत लट्टें पड़ गई है। और पीछे का आलू का पेड़ भी देख रहे होंगे आप, ये भी लट्टों की वजह से ख़राब हो चुका है, और इसको प्रोसेस दिखाएंगे जो छिड़काव होगा वो कैसे किया जाएगा। और पीछे अपना भाई है तैयार, और ट्रैक्टर वो पीछे आ रहा है वहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो उससे छिड़काव करेंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो गाइस, भाई ट्रैक्टर लिया है, और छोटा भाई ये ट्रैक्टर चला रहा है, और इसको चलाना आता है लेकिन बैक करने में थोड़ी समस्या है, तो कर रहे हैं कोशिश। तो ये उतर गया, और मेरा दूसरा भाई जो भी खेत के अंदर बैठा था, आपको दिखाया था, ये बेटा ये करेगा बैक, इसको ट्रैक्टर अच्छी तरह चलाना आता है, ये खेत वगैरह सब बोता है, और अपना जिगरी दोस्त भी है और भाई भी है। और इसी भाई ने मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं बहुत ज़्यादा, और इस भाई का सपोर्ट और थैंक यू करता हूँ मैं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और मेरे फैमिली वीडियो यूट्यूब फैमिली बढ़ाने के लिए इसका धन्यवाद। अब मेरा छोटा भाई कर रहा है ये जो जॉइंट करते हैं इसको, इसको बोलते हैं गुल्ला पसाना, गुल्ला ही गुल्ले को अंदर डालेंगे ताकि मशीन रोटेट होगी, इसी से घूमती है मशीन। और ये भाई ने दवाई डाल दी अंदर, अब इसका मिक्सरण होगा, ट्रैक्टर स्टार्ट होगा और उसके बाद मिक्सरण होगा। ये छोटे वो छोटे डब्बे थे वो भी डाल दिए दोनों, भाई ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, और इस भाई को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। भाई बहुत खुश मिजाज है, अब मशीन रोटेट हो रही है, आप देख सकते हो सामने, अब मशीन का गोल तैयार होगा अंदर, और भाई ने कमर कस लिए,
और छिड़काव करने के लिए तैयार। भाई पूरे खेत में छिड़काव करेगा। ये देखो भाई की मुस्कान कितनी प्यारी है। ये भाई भी किसान है, सभी किसान है। किसान का आप सपोर्ट और प्यार दीजिए ताकि किसान भी आगे बढ़ सके। अब भाई पूरी तरह से फुहारा पूरे खेत के अंदर, आपको बताया था 7 बीघे के अंदर प्याज बोए हुए हैं, उसमें पूरे में दवाई छिड़की जाएगी। आई होप ये कीड़े मकोड़े जो लट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और किसान को फ़ायदा हो। हम यही चाहते हैं किसान को फ़ायदा हो। तो बने रहें वीडियो के अंदर और आप वीडियो पूरा देखते हैं, आपको दिल से धन्यवाद। और एक बात और है, मेरे अभी 4000 घंटे नहीं हुए, वो आपकी वजह से ही घंटे कंप्लीट होंगे अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो। अब पाइप जो जा रहा है इसको समेटेगा मेरा भाई, वो भी देखना आप कैसे समेटा जाता है। शाम का टाइम हो गया, इस प्रकार समेटा जाता है, बहुत जोर आता है, बहुत ताकत लगती है इसके अंदर। तो गाइस शाम हो चुकी है और इस वीडियो का हम यही एंड कर देते हैं। और वीडियो आए हो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे भाई भाई का सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि शाम हो गई और शाम को पिक्चर क्वालिटी ख़राब आएगी। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत माता की।